किसानों ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों को और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए दिल्ली के बॉर्डरों पर डट गए। किसानों को राजधानी में घुसने से रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, इरौंदा बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली में जगह जगह जाम की स्थिति बन गई। हरियाणा से और दिल्ली को जोड़ने वाली सभी सीमाओं को लगभग सील कर दिया गया है। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए कई लेयर बैरिकेटिंग, नुकीले किले, कटीले तार की फेंसिंग की गई है। हरियाणा और पंजाब में दिल्ली कूच को अड़े किसानों का पुलिस के साथ कई बार संघर्ष भी हो चुका है। इस बीच बड़ी बात यह है कि अब तक आंदोलन से दूर रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी आंदोलन को समर्थन दिया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि शंभू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर पुलिस और आंसू गैस के जिस तरह से गोली छोड़े जा रहे हैं, उन पर जिस तरह से प्लास्टिक की गोलियां चलाई जा रही हैं, उसमें कई किसान घायल हुए, वहीं कुछ पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। हमारा कहना है कि सरकार संयम बरते और किसानों पर जाति न करे। ये कोई विदेशी किसान नहीं है, न ही कोई सीमा की बॉर्डर है जहाँ दूसरे देश ने हमला किया हो। पुलिस के द्वारा इस तरह का व्यवहार किया जाना निंदनीय। सरकार किसानों को उकसाए ना ताकि उनके द्वारा उठाए कोई कदम ऐसा ना हो कि सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो जाए। मुद्दे को बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि जो मांगे हैं वो किसानों और देश के हित में ही हैं। उनकी मांगे गलत नहीं है। किसानों की मांगों पर सरकार को सौहार्दपूर्ण व्यवहार के साथ बातचीत से इस मामले को निपटाना चाहिए। सरकार को ये सभी मांगे माननी चाहिए। किसानों की सभी मांगे जायज हैं। सरकार किसानों के साथ सख्ती से पेश ना आए, ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे मुश्किलें बढ़ जाएं। चढ़ूनी ने कहा कि हम अपने किसानों के साथ हैं। कल हमारे सभी पदाधिकारियों की मीटिंग चढ़ूनी गांव में रखी गई है, यानी गुरुवार को मीटिंग होने वाली है, जिसमें जिला प्रधान, ब्लॉक प्रधान और स्टेट वाले ही पहुंचेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आगे कहा कि वो किसानों के साथ हैं। पिछली बार सरकार ने जो वादे किए थे, सरकार उनसे मुकरी है, जो गलत है। हम पूरी तरह से पंजाब के किसानों के साथ हैं। वहीं हमारी तरफ से भी आज मीटिंग है और सभी को बुलाया गया है। साथियों, जो आंदोलन चल रहा है शंभू बॉर्डर पे और भी जहां पंजाब वाले भाई जो आंदोलन में आ रहे हैं, वहां पे जो खबरें आ रही हैं कि पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले काफी चलाए गए हैं, प्लास्टिक की गोलियां भी चलाई गई हैं, काफी किसान घायल हुए हैं, कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। हमारा सरकार से कहना है कि सरकार संयम बरते, इस तरह से किसानों के ऊपर ज्यादती ना करे। ये कोई विदेशी किसान नहीं है, कोई ये सीमा का बॉर्डर नहीं है जहां पे इस तरह का व्यवहार किसानों से किया जा रहा है। तो हमारा सरकार से कहना है कि सरकार संयम बरते और सरकार इस तरह से ना उकसाए कि फिर कोई अगला कोई कदम ऐसा हो जो फिर सरकार को संभालना मुश्किल हो जाए। और ये जो मैटर है, ये बातचीत से सुलटाना चाहिए, क्योंकि जो मांगे हैं वो मांगे पूरे देश के किसानों की हैं और सही हैं। कोई मांगे गलत नहीं है, कोई वो ऐसा नहीं मांग रहे कि जिससे कोई देश उजड़ रहा हो या कोई अपने स्वार्थ में मांग रहे हो। किसानों की मांगे हैं, किसानों की मांगों पर के ऊपर सरकार को सौहार्दपूर्ण व्यवहार से बातचीत करके बातचीत के माध्यम से निपटाना चाहिए और ये मांगे माननी चाहिए, सारी सही हैं। और इस तरह से व्यवहार जैसे कोई विदेशी हो, जैसे कोई हम सीमा पे खड़े हो, इस तरफ फोर्स खड़ी है, दूसरी तरफ किसान खड़े हैं, घोड़े पे घोड़े दाग रहे हैं, ये व्यवहार जो है ये बिल्कुल गलत है और हम जो है वो किसानों के साथ में हैं। तो सरकार इस तरह का व्यवहार ना करे और सही तरीके से बात करे, सही तरीके से निपटाए, सही तरीके से मांगे माने। जो पीछे भी सरकार ने वादे किए थे उनसे ही मुकरी है, जो बिल्कुल गलत है। और हम पूरी तरह से देश के किसानों के साथ में हैं, पंजाब के किसानों के साथ में हैं। और दूसरा जो है, कल हमने अपने पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। मेरा सभी अपने पदाधिकारियों से कहना है कि केवल पदाधिकारी आए। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर आंसू गैस के छोड़े जाने से
बेहद वो नाराज हैं और दुखी भी हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि किसानों से बात करें, उन्हें रोकने की कोशिश न करें। वे किसान हैं, हमारी सभी मांगे एक जैसी हैं। किसान कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं, आंदोलन बंद नहीं करेंगे, वो वापस भी नहीं जाएंगे। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, उन्हें आंसू गैस या लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। वो कुछ भी हो जाए पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो किसान हैं, हम सब एक हैं, हमारी मांगे एक हैं। जरूरत पड़ी तो हम भी इसमें शामिल होंगे और हमें इंतज़ार है सही दिन का। हमारी मांग है कि MSP और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाए और जो मांगे हैं उन्हें माना जाए। अगर BJP किसानों की भलाई का काम नहीं करेगी, MSP नहीं देगी, तो इसका समाधान कुछ और तरीके से निकाला जाएगा। MSP कानून पूरे देश में फिलहाल परेशानी का सबब बना हुआ है। जैसे पहले भी दो दौर की बात हुई है, दोबारा फिर वे बैठ गए, किसान वापसी नहीं जाएगा। सरकार छेड़खानी मत करें उनके साथ में, वो बैठेगा या तो वो आगे जाएगा दिल्ली की तरफ, वो पंजाब नहीं जाएगा बगैर बातचीत के, समाधान के, वो वापसी जाएगा ही नहीं। किसान की ये टेंडेंसी होती है और हम सब नजरे बनाए हुए, अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिड होगा तो ना हमारे से किसान दूर है ना हमारे से दिल्ली दूर है। ये इनजस्टिस की बात की जाए, आप कह रहे हैं सर इनजस्टिस, अब किस तरह की इनजस्टिस होगी? मतलब भाई अगर उनसे बातचीत नहीं करेंगे तो वे आगे को बढ़ेंगे, व्याख्या बढ़ेंगे, तो उनके साथ में अगर कोई भी हरकत होती है तो किसान उनके साथ में, देश का किसान। अभी एक वो मूवमेंट है, एक ग्रुप का है, SKM की आज मीटिंग हो रही है और उसमें हम अपनी सलाह करेंगे उसमें कि हमको क्या करना है। अभी सलाह कर रहे हैं क्योंकि फैसला उन्हीं को लेना, उन्हीं की कमेटी फैसला लेगी। जो भी सरकार को बात करनी है वो उसी कमेटी से बात करे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।